Hello everyone, good evening. Welcome to our channel, All is Scholars. Today we will starting new chapter, that is Wedding Math Tricks. Actually, ये क्या था? ये एक chapter based question, मतलब आपको chapter नहीं है actually, क्योंकि आपके course में ये chapter नहीं रहता. But we used this tricks in all the chapters. Okay? कई बार ऐसा होता है कि students क्या करते हैं ना, कि आपके normally mensurations में आपकी कैलकुलेशन की ज़्यादा ज़रूरत होती है. अलजेब्रा में भी आपके कैलकुलेशन रहते हैं, नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन वगैरह में कैलकुलेशन रहते हैं, तो बॉडमास में भी कैलकुलेशन रहता है, स्टैटिक्स में बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन रहता है. तो कैलकुलेशन से स्टूडेंट बचने के लिए क्या करते हैं, नॉर्मली कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं. नॉर्मली आजकल तो अवेलेबल है हर समय हर जगह, बट एक्चुअली करना नहीं चाहिए. क्यों? क्योंकि हमारे एग्जाम्स में कैलकुलेटर तो बिल्कुल अवेलेबल नहीं रहता है. एटलीस्ट हम लोगों के एग्जाम्स में, आप लोगों के एग्जाम में तो नहीं रहेगा ऑब्वियस. तब जब जो चीज़ ऑब्वियस ऑलरेडी पहले से ही है आपके पास, कि आपके पास कैलकुलेटर का किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है, तब वाई हम उस चीज़ के यूज टू बने, हम लोग उस चीज़ के यूज टू क्यों बने. तो हमें क्या करना है कि कुछ ऐसे ट्रिक्स एंड टिप्स सीखने हैं. एक्चुअली ये वैदिक मैथ की कोई ट्रिक नहीं है, एक्चुअली स्टार्टिंग से ही है ये चीज़. वैदिक मैथ मतलब वैदिक आपका वर्ड जो है वो आपके पहले से ही चलता आ रहा है, ठीक है. तो ये कोई ट्रिक नहीं है, ये पहले से ही है, बस हम इसको यूज करना भूल गए हैं, बिकॉज हमारे पास बहुत सारा कैलकुलेशन के लिए आपके सुविधाएं उपलब्ध है. लेकिन यहाँ पे क्या करना है मुझे, कि हमें ये चीज़ को रिकॉल करना. मैं जस्ट आपको क्या करवा रही हूँ, इन चीज़ों को रिकॉल करवा रही हूँ, ताकि आपके कैलकुलेशन ईजी बने, फास्टर बने, ताकि आप बाकी स्टूडेंट, क्योंकि आजकल कंपटीशन का दुनिया, आप जितना फास्ट सॉल्व करोगे उतना फास्ट मतलब आपके मार्क, मतलब सॉल्व तो सब कोई कर लेता है. आज करेगा कोई, आज नहीं तो कल कर लेगा कोई, कल नहीं तो परसों कर लेगा. लेकिन बात यहाँ पे आती है, यहाँ पे कहीं ना कहीं फंसती है स्पीड पे, कि जो आज कर रहा ऑब्वियसली कल, वो जो कल का टाइमिंग वो किसी और काम पे निकालेगा. जो कल करेगा ऑब्वियसली वो क्या करेगा, वो परसों का टाइमिंग किसी और चीज के लिए निकालेगा. दैट मीन्स आप जितना फास्ट करोगे आपके पास चीजें करने के लिए और ज्यादा होगी. आप एक चीज पे कब तक करते रहोगे, एक ही चीज को आप कब तक दोहराते रहोगे. तो चीजें जरूरी होती है, यहाँ पे कहीं ना कहीं आप कैलकुलेशन सीखे, क्योंकि सबसे टफेस्ट पार्ट होता है कहीं ना कहीं, क्योंकि सबसे बोरियत वाली जो चीज होती है ना, और यहाँ पे फंसती है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे सारे क्वेश्चन को बना देते हैं, कैलकुलेशन से दूर भागते हैं, कैलकुलेशन से बहुत दूर भागते हैं. तो आज हम आपको वही चीज सिखाने वाले हैं, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपकी कैलकुलेशन में बहुत मदद करने वाली है. जैसे नॉर्मली हमने नाम दिया है वैदिक मैथ्स ट्रिक्स, आप बोल सकते हैं, या फिर नॉर्मल ट्रिक्स बोल सकते हैं. सो बेसिकली आज हम लोग किस चीज़ से स्टार्ट करेंगे, कौन सा ट्रिक से. नॉर्मली इसको बोलते हैं बेस मेथड ट्रिक्स, या फिर बेस मैथड कैलकुलेशन भी बोल सकते हैं. बेस मैथड कैलकुलेशन क्या होता है ना, कि नॉर्मली हम बेस को पकड़ते हैं यहाँ पे. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे लेस देन, हम यहाँ पे जो टॉपिक ले रहे हैं, मतलब जिस चीज की कैलकुलेशन कर रहे हैं वो नंबर्स आपके लेस देन 100 का ले रहे फिलहाल स्टार्टिंग में. लेस देन 100 में क्या आ सकता है, जैसे कि 92 मल्टीप्लाई बाई 90. अब आप उसको मल्टीप्लाई करने जाओगे आपको बहुत टाइम लगेगा, आप सोचते रहोगे क्या करना है. लेकिन बेस्ट मेथड कैलकुलेशन से आप इसको मल्टीप्लाई चुटकियों में कर सकते हैं. जैसे कि 92 को क्या लिखोगे आप, चाहते हो ये बेस मेथड है, बेस किसको मानना है, तो इसका मतलब किसी ना किसी चीज को बेस मानना है यहाँ पे. तो यहाँ पे बेस जो होता है ना, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे क्यों बेस 100 है, क्योंकि ये नंबर्स 100 के क्लोज है, ठीक है. क्यों 100 के बेस माने, क्योंकि ये नंबर्स 100 के क्लोज है नॉर्मली. तो 100 से कितना कम है ये हम देखेंगे, ये मेरा 8 कम है, कितने कम है, 8 कम है आपका 92, उसके बाद 98, ये आपका 100 से कितना कम है, ये आपका 2 कम है, ओके. एक आपका -8 कम है, एक आपका -2 कम है. आप इसको नॉर्मली मल्टीप्लाई कर दो, 8 जब 16 होता है और -2 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका प्लस आ जाता है, ठीक है. दूसरी चीज ये आप यहाँ पे किसको लोगे, 100 को लोगे, क्योंकि आपका बेस किसको लेना है, यहाँ पे 100 ही लेना है. अब 100 को बेस ले रहे हैं, इन दोनों को आप नॉर्मली एडिंग एंड सबट्रैक्शन करना है. ये दोनों क्या होगा, ऐड होगा, ऐड होकर कितना बनेगा, -10. अब 10 100 -10 क्या हो जाता है, ये वाला
यानी कि यहाँ पे क्या बन रहा है 90, यानी कि यही आपका आंसर है 1960। आप चाहो तो इस चीज को मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो। ये पहला क्वेश्चन है, इसमें हम आपको मल्टीप्लाई करवा के दिखा रहे हैं। जैसे कि 92 को हम 98 से अगर आप सॉल्व करोगे तो 8 × 16 का 6 का 1, 9 × 72 73, ओके। 9 × 18 का 8 का 1, 9 × 81 80, ओके। 6 10 11 का 1 का 1, 10 का 0 का 1 आ गया 90 16। दैट मींस ये जो ट्रिक है काम करता है मेरा। क्या हम किसी और नंबर से भी सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल से लेते हैं। सपोज 93 को मल्टीप्लाई करेंगे 97 से, ये कितना कम है? -7 कम है। किससे कम है? 100 से, क्योंकि बेस हमको क्या मानना है यहाँ पे? 100 मानना है। ये मेरा कितना कम है? -3 कम है। इन दोनों का जो मल्टीप्लाई करते हैं वो कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस का मल्टीप्लीकेशन तो प्लस हो जाता है। अब इसमें बेस कितना मानना है? 100। 100 बेस मान लिए। अब इन दोनों को एड एंड सब्ट्रैक्शन क्या करनी है? 100। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 10, माइनस का 10 आएगा, दैट मीन्स 90 आ रहा है। तो इसका मतलब ये आंसर क्या है? 90 21, यानी कि 93 × 97 90 21 आता है, और ये आपको चुटकियों में मिल रहा है, ठीक है। आप चाहो तो मल्टीप्लाई करके यहाँ पे देख सकते हो। 7 × 3 = 21 कैरी 2, 9 × 3 = 9 7 = 63, 64 × 65 × 9 = 27 कैरी 2, 9 × 81 82 83 1, 10 × 11 = 2 कैरी 1 कैरी 1, यानी कि 90 21, यानी कि आपका आंसर यहाँ पे आ रहा है। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, नाउ वी विल मूव ऑन टू सम मोर क्वेश्चन। अब जैसे कि आप बोलोगे आप तो सिर्फ 90 से ही नीचे ले रहे हो, अगर ये 90 से भी नीचे, मतलब 90 से ही ऊपर ले रहे हो नंबर, अगर आप 90 से भी नीचे लोगे तो देखते हैं 90 से भी अगर नीचे लेंगे तो क्या आएगा। 88 × 94, आप देखो ये 100 से ही चेक कर रहा है। 100 से कितना कम है? माइनस का 12। ये 100 से कितना कम है? माइनस का 6। 100 से ही इसलिए चेक करना है क्योंकि ये क्या है मेरा, आपका बेस 100 वाला ही है। तो ये आपका 12, ये कितना हो गया? 12 × 6 = 72, प्लस का 72 हुआ, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 100 माइनस का 18, ओके। और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 82, दैट मीन्स दिस इज द आंसर। You will get 80 to 70, okay? You can see in your calculator also, okay? Now, एक और क्वेश्चन देते हैं। सपोज 89 × 95, ये कितना कम है? सपोज ये आपका कम है माइनस का 11, ये आपका कितना कम है? माइनस का 5। मल्टीप्लाई करेंगे 55 आने वाला है। अब आप यहाँ पे 100 डेज लोगे तो क्या हो जाएगा? 100 − 60, तो क्या हो जाएगा? ये 4, ऐसे कैरी 9 से 1, 84 55, यानी कि 84 50, ये आपका क्या है आंसर। नाउ यू कैन मल्टीप्लाई इट आल्सो। सपोज 94 को अगर 88 से मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं, 8 × 4 = 32 कैरी 3, 9 × 8 = 72 75, 8 × 4 = 32 57 2 7 82 72, जो कि आंसर आपका पॉजिटिव नहीं है। उसके बाद 89 को 95 से 9 × 5 = 45 कैरी 4, 8 × 5 = 40 44, इंटू 9 × 81 कैरी 8, 9 × 72 5 5 4 8, 88 55, ओके। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। कुछ और क्वेश्चंस करते हैं इसी।
13 3 39। 100 क्या लेंगे? बेस लेंगे। 100 बेस लेके सॉल्व करेंगे तो 100 क्या हो जाएगा? माइनस का 16 यानी कि 84। तो क्या आंसर आ गया? 84 39। यहाँ पे लिखते हैं 84 into 39। ओके, नाउ ये कितना कम है? माइनस का 14। ये कितना कम है? माइनस का 6 हो जाए 24 कैरी टू 678। 84 प्लस का 100 क्या लेंगे? बेस लेंगे। तो क्या हो जाएगा? 100 माइनस 20 दैट मीन्स 80। आंसर कितना आ गया? 80। आप चुटकी होकर सॉल्व कर पा रहे और इस चीज को मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे ही दिमाग खराब होगा। इसको क्या करेंगे? हम जानते हैं ये कितना है? माइनस का 19। ये कितना है? माइनस का 2। यानी कि कितना हो गया यहाँ पे? 38। बेस कितना है? 100। 100 माइनस का 21 करेंगे तो कितना आएगा? 79। यानी कि आंसर कितना है आपके पास? 79 38। अब उसको मल्टीप्लाई करने से बेटर है कि हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है? एक एक नंबर्स को आप चेक कर सकते हैं, आपके आंसर इतने ही आने वाले, ठीक है? एक एक नंबर्स को चेक कर सकते हैं आप कैलसी में। जैसे कि वी आर चेकिंग नाउ 87 into 97, 84 19 39, ठीक है? 86 multiply by 94, 84, ये भी सही है। उसके बाद 81 multiply by 98, 79, 38, ओके? तो आप देख रहे हो क्या हो रहा है, क्वेश्चंस आपके तुरंत तुरंत बन रहे, ठीक है? अब ये मेरा क्या था? लेस देन था। अगर अब आपको सवाल होगा कि अगर ये तो आपके लेस देन 100 की क्वेश्चन है, अगर ये मोर देन 100 होगा तब हम क्या करेंगे? तो अपने मोर देन 100 को डाल, ओके? मोर देन 100 में कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, वो भी आपका सिमिलर ही है। एक्चुअली मेथड यही है। एक्चुअली आप इस पैटर्न को अगर सीख जाओगे सही से तो आपको दिक्कत नहीं होगा किसी भी कैलकुलेशन में, कहीं भी कैसा भी कैलकुलेशन होगा तुरंत बनेगा। जैसे कि मोर देन 100 की बात करते हैं, मोर देन 100, जैसे कि 103 multiply 108 करते हैं, ठीक है? तो ये कितना ज्यादा है? प्लस 3। ये कितना ज्यादा है? प्लस 8। 8 3 का 24, प्लस का 24, मल्टीप्लाई किए तो 24 आया। नॉर्मली यही मल्टीप्लाई करते हैं, बस हम यहाँ पे माइनस लिखते हैं क्योंकि वो 100 से क्या होता है? कम होता है। बेस वही लेंगे 100 100। अब यहाँ पे प्लस हो जाएगा क्योंकि इन दोनों को ऐड करके क्या मेरे मिलने वाला है? प्लस का 11। वहां पे क्या करते थे? माइनस का 11। यहाँ पे क्या करेंगे? प्लस का 11। यानी कि ये क्या है? 111। अब यही आपका आंसर है, 1 2 1 1 1। Now, okay. Now next, ये आपका क्या था? एक आपका एग्जाम्पल था। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, कोई भी नंबर ले सकते हो, ठीक है? जैसे कि 109 1160। ये कितना ज्यादा है? प्लस 9। ये कितना ज्यादा है? प्लस का 16। 100 क्या लेंगे? बेस लेंगे। 100 क्या लेंगे? बेस लेंगे। नाउ ये आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा? 9 9 54 कैरी 5 9 10 41 144। अब 100 को बेस लोगे तो आप इसमें प्लस ऐड करना होगा 16। ये कितना हो जाएगा? 25 25। ओके, यानी कि 125 का क्या आ रहा? 120। अब इसको कैसे करना है? लास्ट में हमको दो ही नंबर लेना रहता है, ठीक है? लास्ट में मुझे क्या करना रहता है? दो ही नंबर लेना रहता है, और जो यहाँ पे 1 है ना वो यहाँ पे एक कैरी हो जाता है। 1 जो है ये वाला, ये कैरी हो जाएगा। जो 144 में जो 1 है वो कैरी आ जाएगा 125 में ऐड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये तो 144 हो जाएगा, ये 1 कैरी ऐड हो जाएगा तो 126 हो जाएगा। यानी कि आंसर कितना है? 126 44। अब आपको भरोसा नहीं हो रहा होगा,
आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते। चलिए मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। 109, 116, 95 का 45, 96 का 54, 4 क्या है 5, 0, 5, 6। फिर क्या हो जाएगा 901, फिर क्या हो जाएगा 901। ये क्या है 4, 9, 10, 14 का 4 कैरी 1, 10, 16 का 6 कैरी 1, ये 2 हो जाएगा 1। कितना आ गया 1, 2, 6, 4, 4। ओके नाउ यहाँ भी आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। 103, 108 मल्टीप्लाई करेंगे 8, 3 से 24 कैरी 2, 0, 2, 8। फिर ये 0, 0, 0 हो गया मल्टीप्लाई, उसके बाद ये 3, 0, 5, ये 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा 8, 9, 10, 11 का 1 कैरी 1, 1, 1, 1, 2। यहाँ पे सिर्फ दो ही नंबर था ना, इस वजह से कैरी के कोई झंझट नहीं है। यहाँ पे अगर 3 नंबर होता है तब मेरा कैरी जाता है, ठीक है। यहाँ पे दो ही नंबर है तो कोई कैरी का मतलब नहीं है, कोई कैरी की जरूरत नहीं है। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट।
और 100 से ज़्यादा होता है तो किस तरह से सॉल्व करते हैं। अब जो हम लोग नेक्स्ट करने वाले हैं वो हम लोग ज़्यादा और कम दोनों का यूज़ करने वाले हैं, ठीक है।
139। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तब आप समझ जाएंगे कि आपको ऑलरेडी समझ में आ चुका है। ठीक है, जैसे कि ये मेरा 100 से कितना जाता है प्लस 7, ये आपका 100 से कितना कम है माइनस का 15, तो कितना हो जाएगा 7 5 to 35 33 7 8 9 10 105, और वो भी क्या होगा, ये माइनस में होगा। ठीक है, बेस क्या लेना है मेरा 100 ही लेना है। 100 कितना होगा प्लस माइनस, माइनस हो जाता है 8 आ रहा है, माइनस का 8 यानी कि ये कितना आ जाएगा 92। अब 92 ये तो आ रहा है लेकिन यहाँ पे देखिए ये तो 105 है। अगर हम इसमें से बोरो 1 लेते हैं तो हम मेरा यहाँ प्लस 100 होता है, लेकिन प्लस 100 लेंगे माइनस 105 है तो मेरा माइनस का 5 ही आएगा, यानी कि अगेन मेरा माइनस में ही रहेगा। दैट मीन्स हम यहाँ से प्लस 100 तो नहीं ले सकते, हमको क्या करना होगा प्लस 200 लेना होगा, क्योंकि हम एक दो करके ही मतलब यहाँ पे कैरी ले सकते हैं। तो माइनस हम 1 नहीं करेंगे, माइनस 2 करेंगे ताकि हमें 90 मिल जाए, और यहाँ हम प्लस का 200 करेंगे। क्यों? क्योंकि हम अगर 100 प्लस का करते हैं तो मुझे वापस से नेगेटिव में ही आंसर मिलने वाला है इधर का, जो कि मुझे पॉजिटिव में चाहिए, इसलिए हम जाएंगे 200 के। ठीक है, ताकि हम उसको माइनस करें तो ये मुझे कितना आ जाए 95, और ये पॉजिटिव में है। अब ये मेरा आंसर है, कितना हो जाएगा 90 95। ओके, नाउ इस क्वेश्चन, ये मेरा कितना माइनस का 4, ये कितना प्लस का 12 8 12 4 48, कितना पॉजिटिव में है क्योंकि ये मेरा क्या है सॉरी नेगेटिव में होगा क्योंकि प्लस माइनस का नेगेटिव ही होता है। बेस क्या लेना है 100, अब 100 प्लस का 8 होगा क्योंकि प्लस 12 माइनस 4 आपका कितना मिलता है 8 होने वाला, यानी कि 108 होगा, और यहाँ पे क्या है मेरा नेगेटिव है, दैट मीन्स कैरी करना होगा, यानी कि प्लस 100 करेंगे यहाँ पे माइनस 1 करेंगे यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे क्या होगा 107। तो यहाँ पे क्या करेंगे माइनस 1 करेंगे तो ये 107 होगा। ठीक है, और यहाँ पे प्लस क्या किए 100 किए, तो इसमें अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये मेरा 52 आता है प्लस का, तो ये अब मेरा आंसर होगा 107 50। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये मेरा कितना है 100 से प्लस 13, ये मेरा कितना है माइनस का 11। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा ये 3 4 1। ठीक है, कैरी 3 11 12 13 14। ओके, माइनस का बनेगा, बेस क्या लेना है 100 ही लेना है, तो बेस अगर 100 है इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो प्लस का कितना आएगा 2, तो कितना होगा 102 होगा। ठीक है, 102 होगा। अब इसमें से हमको कैरी देना है, अब कैरी कितना दे सकते हैं, कैरी हम कितना दे सकते हैं, ऑब्वियसली हम क्या करेंगे यहाँ पे कैरी हम 100 तो नहीं दे सकते क्योंकि मेरा 100 देने के बाद भी माइनस में ही आंसर रहेगा, तो हम प्लस माइनस 2 दे देते हैं, यानी कि ये मेरा 100 आएगा और ये प्लस का 200 होगा, यानी कि ये 7, इससे कैरी 9 से 4 5 57 आ रहा है। ठीक है, 57 पॉजिटिव में आ रहा है, मतलब ये मेरा आंसर है, मतलब 10057 इतना आंसर है। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट।